हाय, दिस इज अजय एंड वेलकम टू द ई बाइक शो। तो अगर आपके पास एक इलेक्ट्रिक साइकिल है और आप इलेक्ट्रिक साइकिल के साथ लॉन्ग राइड करना पसंद करते हैं, तो बीइंग अ साइकिलिस्ट आपके पास एक इन्फ्लेटर यानी पंप रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक साइकिल की परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक डिपेंड करता है इसकी टायर प्रेशर पे। तो टायर की प्रेशर अगर सही ना हो तो आपको अच्छा परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा। तो इसलिए आज इस वीडियो में मैं एक ऐसे इन्फ्लेटर यानी पंप के बारे में बताऊंगा जो पोर्टेबल है और इसे खासकर डिजाइन किया गया है इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए। तो जो पंप के बारे में मैं बता रहा था वो है ये मिनी फूड पंप। ये इस तरह का बॉक्स में आता है एंड एज यू कैन सी इसे इलेक्ट्रिक साइकिल के लिए डिजाइन किया गया है और ये काफी पोर्टेबल है। और इसकी मेन एडवांटेज ये है कि इसमें प्रेशर गॉज दिया गया है। मैं इसे ओपन करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये है वो मिनी पंप। तो आप इसकी पोर्टेबिलिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये काफ़ी छोटा है तो आप इसे बैग में इजीली कैरी कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया इसकी मेन एडवांटेज के बारे में, तो इसकी मेन एडवांटेज है कि इसमें प्रेशर गॉज दिया गया है। तो नॉर्मल साइकिल में नॉर्मल पंप से चल जाता है, बट इलेक्ट्रिक साइकिल की केस में थोड़ा दिक्कत आता है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक साइकिल की परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक डिपेंड करता है टायर प्रेशर पे। तो टायर की प्रेशर ऑप्टिमम लेवल पे रहना चाहिए तभी आपको अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। साइकिल के टायर पे अगर आप नोटिस करेंगे तो देखेंगे टायर पे ही PSI लेवल मेंशन रहता है। जैसे सपोज मेरे पीछे जो साइकिल है इसकी टायर पे मेंशन है 35 to 50 PSI, मतलब मुझे 35 to 50 के बीच एयर फिल करना पड़ेगा। तो वैसे तो नॉर्मल पंप से एयर फिल हो जाएगा, लेकिन आप उस PSI लेवल को मेजर नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है इस तरह का प्रेशर गॉज वाला PSI लेवल, ताकि आप इसकी PSI लेवल मेजर कर पाए और टायर पे ऑप्टिमम लेवल पे प्रेशर फील कर पाए। तो कैसे ये काम करता है, चलिए मैं आपको इसे प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। तो इसे यूज़ करना काफ़ी आसान है। डेमोंस्ट्रेट के लिए मैंने इस टायर की हवा निकाल दी है, तो मैं अभी इसे फील करके आपको दिखाऊंगा। इसमें थोड़ा सा भी हवा नहीं है और जैसे कि मैंने आपको बताया टायर पे ही मेंशन रहता है PSI लेवल, तो इसमें मेंशन है 35 to 50 PSI, तो उसी हिसाब से हम इसमें एयर फिल करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, यू कैन सी इसमें दो तरह का होल दिया गया है, दो तरह की वाल्व के लिए। तो जो ऊपर वाला होल है ये शेडर वाल्व के लिए दिया गया है और जो नीचे वाला है वो नॉर्मल जो आम साइकिल रहता है ओल्ड ब्रिटिश टाइप, उस वाल्व के लिए ये दिया गया है। तो नॉर्मली जो इलेक्ट्रिक साइकिल आता है और जो भी MTB रहता है तो उसमें इस तरह का शेडर वाल्व दिया जाता है, तो इसलिए हम इसमें ऊपर वाला होल यूज़ करेंगे। तो इसके लिए पहले आपको इसमें इंसर्ट करना पड़ेगा और ये जो लीवर है इसे ऐसे लॉक कर देना पड़ेगा। तो ये पूरा लॉक हो गया, यू कैन सी। और अब इसे निकाल के इस तरह से अपने फुट की मदद से आपको पंप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए इंडिकेटर में दिखा रहा है, अभी 20 हो गया, तो मैं इसमें 40 तक हवा भरूंगा। तो यहाँ पे 45 तक हो गया है, आप देख सकते हैं, सॉरी 40 तक हो गया है, एक्चुअली 42 दिखा रहा है। तो अभी इसके लिए काफ़ी है, थोड़ा और चाहिए एक्चुअली, 45 दे देता हूँ। अब सही है। तो जैसे कि आपने देखा ये काफ़ी आसान था इसमें एयर फिल करना। अब इस लीवर को अनलॉक करेंगे। हाँ, इस दौरान थोड़ा निकल जाता है हवा, बट नो वरीज, आप थोड़ा ज़्यादा हवा दे देना पहले से ही। तो जैसे कि आपने देखा इसके साथ एयर फिल करना काफ़ी आसान था, खासकर इसकी प्रेशर गॉज की वजह से हम लोग टायर की PSI लेवल चेक कर पाए, जो कि काफ़ी यूज़फुल था और कन्वीनियंट भी। वैसे इलेक्ट्रिक साइकिल के अलावा आप कार, मोटरसाइकिल या फिर फुटबॉल वगैरह भी इससे इन्फ्लेट कर पाएंगे। और इसके लिए आपको दो तरह की नोजल दी जाती है इस तरह का, तो इस वाले होल में इंसर्ट करना पड़ेगा और फिर आप फुटबॉल वगैरह में एयर फिल कर पाएंगे।
तो ये मुझे काफ़ी सही लगा। करीब 4 महीने से मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ और अभी तक इसके साथ मुझे कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं हुआ। तो ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी पोर्टेबल है। जब भी मैं लॉन्ग राइड पे निकलता हूँ या फिर इलेक्ट्रिक साइकिल टेस्ट करने निकलता हूँ तो मैं अपने बैग में इसे कैरी कर लेता हूँ ताकि इमरजेंसी सिचुएशन में ये मुझे हेल्प कर सके। तो ये काफ़ी अच्छा है, मैं आपको इसे रिकमेंड ज़रूर करूँगा। तो वैसे इसकी प्राइस है 499। वैसे इसकी प्राइस फ्लक्चुएट करता रहता है, तो बेस्ट ऑफर के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। इस तरह का और भी वीडियो देखने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। तो बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं अजय, साइनिंग ऑफ।